दोस्तों रनिंग करने के दौरान अगर आपका हाथ भर जाता है, पैर भर जाता है, आपके पेट में दर्द होता है, क्या कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में आपको तीन बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आपका रनिंग करते समय आपका अपर बॉडी नहीं भरेगा, आपका हाथ कभी भी नहीं भरेगा, पेट में जो दर्द होता है वो कभी भी नहीं होगा, और आपका थाई जो भर जाता है, पैर भर जाता है, ये समस्या आपके सामने कभी आ नहीं सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको तीन बेस्ट पॉइंट बताने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी बताने वाला हूं। तो बिना किसी देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर वन, आपकी अपर बॉडी भर जाती है, आपके हाथ बहुत ज्यादा भर जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक ईंट के दो टुकड़े कर लेने हैं। इस प्रकार से आपको हाथ में पकड़ना है और रनिंग वाले एक्शन में आ जाना है इस प्रकार से, और आपको बारी बारी से इस प्रकार से आपको करना है। चलो 1 2 3 4 सामने की तरफ देखिए। रनिंग करते समय अगर आपका हाथ भर जाता है, अपर बॉडी आपकी भर जाती है, ये समस्या आपके सामने कभी आ नहीं सकती है मेरे भाइयों। इस एक्सरसाइज के आपको 30 सेकंड के, 40 सेकंड के तीन सेट अपने वर्कआउट में ऐड करने हैं। इसके बाद इसी में नंबर दो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ईंट को पकड़ लेना है और ऊपर नीचे इस प्रकार से करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस एक्सरसाइज से भी आपका अपर बॉडी नहीं भरेगा, आपका हाथ कभी भरेगा नहीं। इस एक्सरसाइज के भी आपको 30 सेकंड के 3 से 4 सेट करने हैं। इसी में लास्ट एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूं, दोनों हाथों को इस प्रकार से कर लेना है और बारी बारी से अप एंड डाउन करना है। रनिंग करते समय हाथ भर जाता है, अपर बॉडी आपकी भर जाती है, ये समस्या भाइयों आ नहीं सकती आपके सामने। यार बस ये टिप्स फॉलो करके तो देखो, ये एक्सरसाइज करके तो देखो। टिप्स नंबर दो, रनिंग करने के दौरान अगर आपका पैर भर जाता है, पैर में दर्द होता है, तो सिंपल सी बात है कि आपके पैर में पावर नहीं है, आपके पैर में बिल्कुल भी जान नहीं है। दोस्तों अगर आप पैर के दर्द से बचना चाहते हो, आप अपने रनिंग करने के दौरान पैर के भरने की समस्या से बचना चाहते हो, तो आपको अपने पैर को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा। स्ट्रांग बनाने के लिए बस ये दो एक्सरसाइज को रेगुलर अपने वर्कआउट में फॉलो कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग लंजेस, चलिए 1 2 3 4 सामने आपको देखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए। और इसमें आपको ये बात याद में रखनी है कि आपका जो पंजा है, रुक जाइए, आपका जो पंजा है इससे आपका नी आगे नहीं जाना चाहिए। बहुत से भाई आगे ले जाते हैं इस प्रकार से, अगर आप आगे ले जाओगे तो दौड़ते समय आपके घुटने में पेन होने लगेगा। अब ये करके दिखाओ आप, ये है करेक्ट पोजिशन। इसके आपको 15-15 के 3 सेट अपने वर्कआउट में एड करने, आपका थाई का पावर बढ़ जाएगा, थाई में कभी दर्द नहीं होगा, आपका रनिंग करते समय पैर कभी भरेगा नहीं। इसके बाद नंबर दो एक्सरसाइज का नाम है जंप स्क्वाट, चलो 1 2 3 4 दोस्तों जंप स्क्वाट आपको कुछ इस प्रकार से करना है। रनिंग करने के दौरान आपका कभी जिंदगी में पैर नहीं भर सकता है भाइयों, अपने वर्कआउट में ऐड ये दो एक्सरसाइज कर लो बस। टिप्स नंबर तीन में आपको मैं बताऊंगा, रनिंग करने के दौरान आपके पेट में दर्द होता है, पेट में बहुत ज्यादा भयानक पेन होता है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये सुधार लीजिए कि जब आप दौड़ने के लिए ग्राउंड में जाते हो तो आपको ठूस ठूस के खाना कभी नहीं खाना है, और आप जब दौड़ने के लिए ग्राउंड में जाते हो तो आपको लिक्विड फॉर्म में ही कोई चीज खा कर जानी है या पी कर जानी है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भरपूर मात्रा में पेट भर के पानी नहीं पीना है। पानी पी के अगर आप रनिंग करने लगोगे तो आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आएगा, जब बाहर की तरफ आएगा तो वो पानी जो है अंदर की तरफ हिलेगा, जब हिलेगा तो पेट में दर्द की समस्या बनी रहेगी, तो आप ज्यादा देर तक नहीं भाग पाओगे। तो दोस्तों आपको लिक्विड फॉर्म में आपको चीजें खाकर आना जब आप दौड़ने के लिए ग्राउंड में आते हो, और पानी भी आपको कम मात्रा में पीना है, ठीक है, उसी हिसाब से पीना है कि हम आज अच्छे तरीके से दौड़ कर पाए। इसके बाद ये दो एक्सरसाइज आपको अपने वर्कआउट में ऐड करना है, आपका कोर मजबूत हो जाएगा, आपका एब्स बाहर निकलने लगेगा, आपके पेट में कभी दर्द नहीं हो सकता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको लेग राइज करना है, चलो जमीन पर लेट जाना है इस प्रकार से, और दोनों पैरों को इस प्रकार से अप एंड डाउन करना है 1 2 3 दोस्तों ये है लेग राइज एक्सरसाइज, आपके पेट की मजबूती बढ़ाने के लिए। इसके आपको 15-15 के 3 सेट रोजाना रनिंग के बाद करने हैं। एक्सरसाइज नंबर दो में आपको प्लैंक पोजीशन में आ जाना है इस प्रकार से, और सामने की तरफ आपको देखना है, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए आपको एक एक मिनट के 45-45 सेकंड के 3 सेट अपने वर्कआउट में ऐड करने हैं।
ये सभी एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है। अगर आपके रनिंग करते समय पैर भर जाते हैं, हाथ भर जाते हैं, पैर में दर्द होता है, इन सभी एक्सरसाइज को अपने रनिंग के दौरान आप फॉलो करिए। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 24 घंटे में 4 से 5 लीटर पानी नहीं पियोगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो पेन करने लगेंगी और वो जकड़ने लगेंगी, वो भरने लगेंगी। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 24 घंटे में आपको 4 से 5 लीटर जरूर पानी पीना है। रनिंग करने के दौरान आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका गला सूखेगा, ना ही आपका बॉडी भरेगा, ना ही आपकी बॉडी में कोई इंजरी आएगी। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट आने पे। तो दोस्तों जय हिंद।